दोस्तों, लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने देखा था, हमने फॉर्म 16A के बारे में डिस्कस किया था और हमने बताया था कि बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म 26AS के बारे में, और फॉर्म 26AS के अंदर बताएंगे आपको क्या होता है फॉर्म 26AS और कैसे हम इसका यूज करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु तेज का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए दोस्तों, जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ है, व्हाट इज फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सब लिखा हुआ है। फॉर्म 26AS 26AS डिस्प्लेज वेरियस टैक्सेस दैट आर डिडक्टेड ऑन योर इनकम बाय योर एम्प्लॉयर। कहता है कि फॉर्म 26AS में डिस्प्ले किया जाएगा उन सभी टैक्सेस को जो डिडक्ट किए गए हैं आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, मतलब एक एम्प्लॉयर के थ्रू एक एम्प्लॉय के, मतलब जहां जॉब करते हैं सैलरीड पर्सन, वहां पर जो उनके ओनर होते हैं वो डिडक्ट करते हैं टैक्स को। कई तरह के टैक्स होते हैं, जैसे टीडीएस हो गया, ठीक है, तो ये सभी जो टैक्स हैं टीडीएस वगैरह, इन सभी को रिपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर के थ्रू। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देती है कि भाई आपके एम्प्लॉयर ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका इतना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, क्या ये सही है? अगर ऐसा तो नहीं उन्होंने काट लिया 1,000 रुपये, ठीक है, और हमें रिपोर्ट कर रहे हैं वो 500 रुपये, 500 रुपये वो अपनी जेब में रख रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप ITR भर के पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपका कितना टीडीएस कटा है, ताकि हम इस चीज को ट्रैक कर सकें कि एम्प्लॉयर गलत है या एम्प्लॉई, फिर मतलब छानबीन होगी, पूछा जाएगा, जो सही होगा फैसला उसके हक में किया जाएगा, और जो गलत होगा, ठीक है, उसे पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टी लगेगी, ठीक है, और इसी तरीके से इसके अंदर बताया गया है। अब उसमें लिखा है कि बैंक और योर टेनेंट, मतलब बैंक भी अगर आपका टीडीएस डिडक्ट करता है तो वो भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है कि इस व्यक्ति का इतना टीडीएस मैंने काटा है और जमा करवाया है। कोई रेंट पर अगर रहता है और रेंट पर अगर टीडीएस काट लेता है उसका टेनेंट, ठीक है, लैंड लॉर्ड जो है वो टीडीएस काट लेता है, तो वो भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है टीडीएस की रिटर्न भरकर, तो फिर उससे भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर गवर्नमेंट 26AS के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखती है और आप ये फैसला करते हैं कि सही टीडीएस कटा है या नहीं कटा है, मतलब कम तो नहीं काट लिया गया, क्योंकि जितना गवर्नमेंट को जमा कराया गया है सिर्फ उतना ही आप रिफंड ले सकते हैं ITR भरकर, ठीक है जी। उसके बाद है, इट ऑल्सो डिस्प्ले योर एडवांस टैक्स। जब आप कोई अपना एडवांस टैक्स जमा करवाते हैं तो वो भी 26AS में रिफ्लेक्ट होता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आप जमा करवाते हैं वो भी 26AS में आ जाता है, ठीक है जी। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अगर कोई TCS आपसे कलेक्ट कर ले तो वो भी 26AS में आ जाता है, ठीक है। और रिफंड, अगर आपका कोई रिफंड बनता है वो भी 26AS में आ जाता है। दैट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये सभी चीजें एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान हुई हैं वो सारी चीजें आपको इसमें शो हो जाती हैं। वेयर कैन फाइंड 26AS, आपको 26AS कहां से मिलेगा? इसके दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है, लॉग इन कीजिए ई फाइलिंग वेबसाइट पर, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, ठीक है, इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर। यूजर आईडी जो आपका पैन नंबर है और पासवर्ड डालिए, हैंड सर्टिफिकेट और कैप्चा डालिए, इसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 26AS। दूसरा, फिर आप नंबर दो, गो टू द माई अकाउंट एंड क्लिक ऑन व्यू फॉर्म 26AS, ठीक है, टैक्स क्रेडिट। तो यहां आपको पहले तो वेबसाइट पर जाना है नंबर एक, दूसरे नंबर पर आपको इस ऑप्शन पर जाना है और वहां से अपना 26AS डाउनलोड कर लेना। कहते हैं, व्हाट डज इट लुक लाइक्स, ये देखने में कैसा होता है? तो यहां भी एक सैंपल के साथ बताया गया है, हियर इज ए सैंपल ऑफ फॉर्म 26AS। तो क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका सैंपल आपके सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये दिखने में बिल्कुल फॉर्म 16 16 जैसा है यहां से, बट नीचे की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी, यहां से नाम चेंज हो गया, ठीक है, ऊपर से तो ट्रेस ही लिखा है, टीडीएस सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल, सब कुछ वही है, बट यहाँ फॉर्म 26AS लिखा हुआ आया है, ठीक है जी। ये देखिए, इसका मतलब होता है एनुअल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन, ठीक है, 203AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये लुक वाइज कुछ इस प्रकार से होता है देखने में, यहां पर सब कुछ लिखा होता है, पैन नंबर लिखा होगा, एक मतलब कि जिसका टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका एड्रेस लिखा होगा, किस फाइनेंशियल ईयर में डिडक्ट हुआ है, कौन से असेसमेंट ईयर में डिडक्ट हुआ है, सब इसके अंदर अच्छे से मेंशन होगा, और जिसने डिडक्ट किया है उस कंपनी का नाम, ठीक है, उसका यहां पर टैन नंबर लिखा होगा कि किस टैन नंबर के थ्रू ये टीडीएस डिडक्ट किया गया है, कितना अमाउंट आपको पे किया गया था, उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया और कितना डिपॉजिट किया गया, सब इसके अंदर मेंशन होगा प्रॉपर तरीके से, किस सेक्शन में है सब कुछ,
ये देखिए सारा इसमें दिखाया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है जी, बड़े धीरे से मैंने इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को पढ़ भी सको। ये देखिए सब कुछ मेंशन है इसमें, पूरी डिटेल मेंशन है। ये देखिए सब मेंशन है इसके अंदर। तो ये थी हमारी 26 एएस की कहानी जो आपको सुनाई हमने अपनी जुबानी। ठीक है जी, ये 26 एएस हो गया हमारा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हमारा होगा बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, और फर्दर नीचे भी यही लिखा हुआ है इसके अंदर 26 एएस में, थोड़ा सा ये रह गया, हाउ विल इट हेल्प मी, हाउ विल इट हेल्प मी। तो उसमें लिखा है यू कैन क्रॉस चेक, मतलब सिंपल सा लिखा है यू कैन क्रॉस चेक अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्टेड, जो आपका डिडक्ट हुआ है, ठीक है, या जो भी आपका टीसीएस कटा है, टीडीएस कटा है, या एडवांस इनकम टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, इंटरेस्ट या रिफंड, टैक्स ऑन इंटरेस्ट रिफंड, ठीक है, जो भी आपका कटा है, आप अपने 26 ऐसे एक बार मैच जरूर कर लें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने से पहले। अगर मिसमैच होगा तो दिक्कत आ जाएगी भाई, नोटिस आ जाएगा, तो इसलिए पहले चेक कर लें अच्छे से, और जो सही हो वही इंफॉर्मेशन दें। अगर इसमें इंफॉर्मेशन अनकंप्लीट है तो आप सही इंफॉर्मेशन दें ताकि गवर्नमेंट उसे पकड़ सके जो गलती कर रहा है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके अपने यूट्यूब ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।